ऑलमोस्ट जितने भी रिफर्बिश रिन्यूड प्लेसेस हैं जो इस तरह के फ़ोन सेल करते हैं, बिग ब्रांड, स्मॉल ब्रांड, वर्ल्ड्स लीडर ब्रांड या कम्प्लीटली न्यू ब्रांड आया हो, जैसे कि शार्क टैंक में आया था, हमने सब कुछ ट्राई किया गाइस, ऑनेस्ट फीडबैक आपको शेयर किया है क्या आप वहाँ से बाई करें ना बाई करें, और हमने बाद में फिर से उन ब्रांड्स को ट्राई किया है, जैसे कि आपने कहा कि अब शायद आप बताएं कि क्वालिटी कैसी है उन वेबसाइट से बाई करने की, सब कुछ हमने ट्राई किया एक ब्रांड को छोड़ के, वो आई थिंक गाइज मोस्ट एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज मैंने काफ़ी उसका नाम सुना हुआ है लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किया। रिफर्बिश्ड रिन्यूड फोन्स जितना भी बाई करेंगे दो तरह के ऑलमोस्ट आपको सेल होते हैं, एक वो होते हैं जो स्ट्रेट वे कंज्यूमर से बाई करते हैं, उसको क्लीन वीन करके और सेल कर देते हैं, यानी कि उसमें कोई भी यू नो पार्ट रिप्लेस नहीं हुआ हो, वो जैसे उसमें यूसेज मार्क हो, उस तरह के फ़ोन आप बाई कर सकते हैं। सेकेंड होता है कि अगर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सपोज़ आपका डिस्प्ले ख़राब हो गया, आपने सेल कर दिया, तो उस डिस्प्ले को रिप्लेस करके मे बी जेन्युइन मे बी नॉट जेन्युइन पार्ट से फिर उसको सेल किया जाता है। वो टेस्टिंग आपको हम करके दिखाते हैं कि क्या उस फ़ोन में कुछ फॉल्टी है कि नहीं है। बहुत सी साइट्स लिख भी देती हैं लेकिन बहुत सी नहीं भी लिखती हैं, वारंटी का काफ़ी बिग इशूज़ होता है, जनरली 1 मंथ टू 3 मंथ्स की वारंटी मिलती है एक्सेप्ट दीज। ये जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है, मेरे हिसाब से गाइस अगर ऐसा निकला वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन रिफर्बिस प्लेस है जहाँ से आप अप टू 18 मंथ की वारंटी का प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। नए फ़ोन में एक साल में होता है लेकिन ये लोग 1.5 साल की वारंटी दे रहे हैं, साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। मैं बता देता हूँ, मैंने 3 फ़ोन मंगाए हैं, आईफोन 11, 12 एंड 13, जो कि अभी भी की डेट में सुपर पॉपुलर फ़ोन्स हैं और बहुत वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स हैं। लेट्स अनबॉक्स देम, फुल टेस्टिंग करते हैं जैसे हम ऑलवेज करते हैं, सभी प्रोडक्ट्स के सारे फैक्टर्स चेक करेंगे। ये रहे 3 डिफरेंट बॉक्स फ्रॉम द कंट्रोल जेट, चेंज इज इन योर हैंड्स। सो ये बॉक्स थोड़ा सा स्टर्डी भी फील हो रहा है। यहाँ पे आईफोन 11 है, आईफोन 12, आईफोन 13, स्टारलाइट 128 GB। फर्स्ट हम आईफोन 11 ओपन करते हैं, चढ़ें। ये रहा आईफोन 11, अभी तो एकदम कम्प्लीटली न्यू दिख रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ मिलते हैं सपोर्टेड केबल्स एंड दी चार्जर्स, रेस्ट एल्स यहाँ पे कुछ नहीं है, एक छोटा सा सिम इजेक्टर टूल किट, वन सिंपल चॉइस ग्रांटली फॉर मैनकाइंड। यहाँ पे वारंटी स्टिकर्स हैं। नेक्स्ट दी आईफोन 13, हाँ यहाँ पे भी सिमिलर ऐसे ही केबल एंड दी चार्जिंग किट। एट द लास्ट आईफोन 12, अगेन यहाँ पे भी सपोर्टेड केबल्स एंड दी चार्जर हैं, एंड यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल किट प्लस दी वारंटी। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अलग सा है, काफ़ी स्टाइलिश भी है। फर्स्ट हम आईफोन 11 पे आते हैं और लेट्स फाइंड आउट। रैप अच्छे से किया गया है, ये भी थोड़ा सा अलग फील हो रहा है। हाँ, ऑन दी फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे तो गाइस यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली लाइक ब्रांड न्यू फ़ोन। इवन डिस्प्ले पे भी नोप, कोई स्क्रैच नहीं है, जस्ट एक सिंगल सा यहाँ पे, नॉट सिंगल, सिंगल सा यहाँ पे वो था डस्ट, अदरवाइज कम्प्लीटली क्लीन डिस्प्ले है। आईफोन 12, वाओ, सरप्राइजिंगली गाइस यहाँ पे भी कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा है, बोथ डिस्प्ले साइड में एंड ऑल्सो ऑन द बैक साइड, फ्रेम वेम सब कुछ एकदम क्लीन है, एंड आई होप सो यहाँ पे भी वैसे होना चाहिए। आईफोन 13 में भी कोई भी यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, ये भी कम्प्लीटली क्लीन है। यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट सेटल था बिकॉज वो पैकेजिंग में आता ना, तो थोड़ा सा कार्डबोर्ड से हल्का सा लूज़ होता है तो वो आ जाता है। तीनों ही फ़ोन यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली स्क्रैच फ्री कंडीशन के हैं, सुपर सरप्राइजिंग। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो भी फ़ोन्स आप कंट्रोल जेट से बाय करते हैं वो कम्प्लीटली स्क्रैच फ्री कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी रिफर्बिश वेबसाइट में डिफरेंट कैटेगरीज के फ़ोन्स मिलते हैं, लाइक गुड, बेटर, फेयर, तमाम तरह के जो भी होते हैं। यहाँ पे जस्ट सिंगल कंडीशन है, लाइक जो आपने बाय किया वही है। सो जो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करके चेक किया कि ऐसा क्या यूनिक है आपके साथ में, तो उनका ये कहना था कि जैसे कोई फ़ोन हम रिफर्बिश करते भी है ना, जैसे कि डिस्प्ले या बैक पैनल टूटा भी हुआ है तो वो सेकेंड आईफोन मॉडल से ही पार्ट प्रोक्योर किया जाता है, राधा एन किसी आप थर्ड पार्टी लोकल कंपनी का पार्ट लगाने के बजाय एक जेन्युइन आईफोन्स के प्रोडक्ट को यहाँ पे पार्ट से रिप्लेस किया जाता है।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी पार्ट मिलता है आपको कम्प्लीटली ओरिजिनल होता है। हाँ, इन द वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कभी कभी, जैसे कि डिस्प्ले है, अब वो आईफोन ही एक्चुअली में टू टोन डिस्प्ले बनाती है, अगर डिस्प्ले कम्प्लीटली शैटर्ड हो गया है तो शायद ऐसे चांसेस हैं कि हो सकता है वो टू टोन ना हो, वो तो किसी भी वेबसाइट से होता है, लेकिन अदर दैट जो भी चीज़ें होती हैं, कैमरा, बैटरी या एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें, वो ऑलमोस्ट जेन्युइन होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको 100% बैटरी सभी फ़ोन्स मिलती है, इसीलिए यहाँ पे 18 मंथ्स का लॉन्ग वारंटी सपोर्ट दिया गया है। कोई भी इश्यूज़ आती है तो अकॉर्डिंग टू देम आपको जब उन्हें कॉल करना है, आपका फ़ोन घर से पिक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम वो डायग्नोज करके फिक्स कर देगी, अदरवाइज आपको रिप्लेसमेंट दे दिया जाएगा एज अप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, जो ऐसा बोला गया। ऑलमोस्ट 1 वीक हो गए गाइस, हमने डिवाइस को यूज़ भी कर लिया है, प्रॉपरली टेस्ट भी कर लिया, बिकॉज 3 डिवाइसेस थी तो हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। फर्स्ट आपको मैं एक्सेसरीज के बारे में बता दूँ, बॉक्स में आपको जो पावर अडाप्टर एंड दी केबल मिलती है, ये OEM मैन्युफैक्चर्ड है, एप्पल की आपको जेन्युइन नहीं मिलती है मोस्ट ऑफ दी रिफर्बिश वेबसाइट्स में, और ये फास्ट अडाप्टर है, हमने इसको टेस्ट भी कर रखा है, तीनों चार्जिंग अडाप्टर्स एंड केबल प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और ये फास्ट हैं, तो आपको वैसे ही चार्जिंग स्पीड देंगे जैसे कि आपको ओरिजिनल मिलते हैं, और हमें ऐसा नहीं लगा एक बार भी कि डिवाइस स्लो चार्ज हो रही है या ओवरहीटिंग इश्यूज हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। कंट्रोल जेट गारंटीज 100% बैटरी हेल्थ, लाइक न्यू कंडीशन, फास्ट चार्ज, 18 मंथ वारंटी। तो लाइक न्यू कंडीशन आपने पहले भी देख ली है, फास्ट चार्ज हमने चेक कर लिया, 18 मंथ वारंटी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है 100% बैटरी हेल्थ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको तीनों फ़ोन में जो बैटरी हेल्थ दिखाई पड़ रही है वो है 100%। अब यहाँ पे दो चीज़ें सकती हैं, या तो बैटरी बूस्ट की गई है या तो बैटरी स्वैप की गई है। तो चलिए हम 3 टूल्स से वेरीफाई करते हैं तीनों फ़ोन्स को, और अगर आप यहाँ पे सेम केबल से कनेक्ट करते हैं इस फ़ोन की, जैसे कि अगर हम आईफोन 11 पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक भी जगह ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा कि बैटरी स्वैप दिखाई पड़ रहा है, टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल है। और यहाँ पे जो बैटरी की लाइफ दिखाई पड़ रही है वो भी आप देखेंगे 73% है। सेम तरह की कंडीशन अब अगर आईफोन 12 में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ दिखाई पड़ रही है 87%। इसका वेरिफिकेशन रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी सारे टेस्ट रिजल्ट आपको नॉर्मल दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आईफोन 13 चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी लाइफ 92% है, और यहाँ की वेरिफिकेशन रिपोर्ट में भी आपको टेस्ट रिजल्ट कम्प्लीटली नॉर्मल दिखाई पड़ रहे हैं। तो पॉइंट आप समझ गए, यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है वेरिफिकेशन रिपोर्ट वो वाला बैटरी परसेंट है जो लास्ट टाइम था बिफोर बैटरी स्वैप के। अब यहाँ पे कंट्रोल जेट ऐसी गारंटी देती है कि यहाँ पे जो बैटरीज लगाई जाती है वो कम्प्लीटली जेन्युइन बैटरीज रिप्लेस की जाती हैं। जहाँ पे हैंडेड है वहाँ पे का मैं उसका रीज़न ये है कि अगर आप एप्पल के ऑथराइज सेंटर से बैटरी चेंज कराते हैं तो सॉफ्टवेयर में वो चीज़ अपडेट की जाती है। अब चूँकि यहाँ पे ये इंटरनली की गई है कंट्रोल जेट के लैब्स में, दैट्स वाई यहाँ पे आपको स्टैट्स यहाँ पे नया दिखाई पड़ रहा है और उस जगह पे आपको पुराना दिखाई पड़ रहा है। स्टिल फिर भी गाइस, टेस्ट करने के लिए कि बैटरी की परफॉर्मेंस इंस्टेंटेनियस कैसे आपको दिखाने के लिए, हमने यहाँ पे एक बर्स्ट मोड टेस्ट परफॉर्म किया जिससे आप क्विकली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आईफोन्स की बैटरी जेन्युइन की नहीं है। तो हमने 500 times फोटोज ली विद दी ऑफकोर्स कैमरा शटर नॉइज ऑन, और सभी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी तीनों फोन्स में एग्जैक्टली 2% बैटरी का ही ड्रेन हुआ है। दैट मीन्स जो बैटरी है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया, नहीं कि क्विकली आप तीनों फोन से लिए हुए सैंपल्स भी देख सकते हैं, जस्ट मैंने रैंडम शॉट आपके सामने लिया है। तीनों फोन से फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट रियर कैमरे से भी शॉट्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इश्यूज़ नहीं आ रही हैं। तो जैसे आप वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़े, अगर मैंने आईफोन 12 लेटेस्ट ओपन किया तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कैटेगरी प्रीमियम रिन्यूड एंड स्पेशल सीरीज, यहाँ पे दिखाई हुआ लाइक न्यू कंडीशन फुल्ली फंक्शनल विद अननोन पार्ट वार्निंग। ये अननोन पार्ट वार्निंग इसलिए आ रही है अगर आप कोई पार्ट एप्पल के ऑथराइज सेंटर पे चेंज कराते हैं तो एप्पल वो सॉफ्टवेयर अपडेट करती है डिवाइस के हार्डवेयर में, तब आपको वो एरर नहीं दिखाई पड़ती। अगर आप कोई कंपनी अपने खुद के लैब में वो चीज़ चेंज करती है देन ऑफकोर्स उनके पास ऐसा कोई टूल या सॉफ्टवेयर नहीं होता है कि वो एप्पल के हार्डवेयर में इट सेल्फ वाया सॉफ्टवेयर कोई चीज़ चेंज कर सकें। प्राइस भी चेक कर लेते हैं, तो मैंने आज की डेट में जितने भी पॉपुलर रिफर्बिश्ड रिन्यूड वेबसाइट्स हैं जहाँ से फ़ोन सेल होता है, मैंने तीनों फ़ोन 11, 12, 13 के प्राइसेस कलेक्ट किए हैं। ऑफ कोर्स सुपर कंडीशन, बिकॉज ये भी सारे एकदम स्क्रैच फ्री कंडीशन के हैं। और इस तरीके से हम देखें तो कंट्रोल जेट का जो प्राइस दिखाई पड़ रहा है वो लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे लोवेस्ट है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी लगी,
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डिवाइस की कंडीशन मिली है वो एकदम आपको जस्ट लाइक न्यू मिल रही है। कुछ आपको ये नहीं सोचना कि लो ग्रेड है हाई ग्रेड है, आपको जस्ट प्रीमियम यूनिट न्यू कंडीशन मिला है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये गाइस, जो वारंटी दिया रही, आप किसी भी रिफर्बिश साइट को देखेंगे आपको 18 मंथ नहीं मिलने वाला है। यस, वेबसाइट पे जब मैंने फ़ोन ऑर्डर करने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पे स्टॉक में कुछ कमी लगी, जैसे कि आईफोन 11, 12, 13 आसानी से मिल जा रहा है, 14 के स्टॉक कम आए थे। हाँ, रीसेल बहुत जल्दी जा रहे हैं, बिकॉज रीजन ये है कि आईफोन 11, 12, 13 ज़्यादा पॉपुलर हैं, इनके पार्ट्स इसलिए अवेलेबल होते हैं, 14, 15 थोड़े कम है। जस्ट बेस्ड ऑन लक, अगर आपको ये मिलता है वहाँ पे आप फटाक से बाय कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये वेबसाइट रिकमेंडेड है, आपको मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि यहाँ पे डिवाइसेस मिलती हैं, अगर उन्हें पार्ट रिप्लेस भी हुआ होता है तो किस कैटेगरी का होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है, वर्किंग होते नहीं होते, सब कुछ है। प्राइस काफ़ी लीस्ट है, वारंटी सबसे ज़्यादा है, पैकेजिंग काफ़ी सुपर है, इट्स गुड टू गो टू बाय फ्रॉम हियर।